पेटीएम कंपनी ने उनका सिक्योरिटी को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए एक नया ट्रिक यूज कर रहे हैं। उस वीडियो में जो मैं आपको बताया था, ओटीपी आता था अपने फ़ोन में, लेकिन दोस्तों अब अपने फ़ोन में एक एक लिंक आता है दोस्तों, और वो जो लिंक आता है वो सिर्फ वन टाइम के लिए होता है। अगर वो लिंक के ऊपर आप एक बार क्लिक कर देते हो तो दोबारा उस लिंक के ऊपर क्लिक करने पर कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। इसके लिए कुछ लोग पेटीएम का पासवर्ड को फॉरगॉट नहीं कर पाते थे, लेकिन दोस्तों आज ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं 100% यकीन के साथ बोलता हूँ, आप अपना पेटीएम पासवर्ड फॉरगॉट कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे। सबसे पहले मैं एक पेटीएम आपको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों पेटीएम में जो नया अपडेट आया है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लॉगिन के ऊपर, और लॉगिन के ऊपर के जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन टू पेटीएम और साइन अप दोनों ऑप्शन है, तो मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। और उसके बाद जो यहाँ पे था फॉरगॉट पासवर्ड, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब हो चुका है ट्रबल लॉगिंग इन। तो दोस्तों आपको उसके ऊपर क्लिक करना है अगर आपके पासवर्ड को फॉरगॉट करना है, और उसके बाद आई फॉरगॉट माई पासवर्ड उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है आपके नंबर पे एक लिंक भेजा जाएगा या फिर आपके मेल पर एक लिंक भेजा जाएगा। यहाँ पे मैं ओके दबा देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे फ़ोन में वो लिंक आ चुका है मैसेज में, और दोस्तों यहाँ पे वो लिंक आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इस लिंक के ऊपर मैं अब क्लिक करता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों देखिए एक नया ही वेब पेज खुल चुका है, यहाँ पे आपको पासवर्ड फॉरगॉट करने की दिखा रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नया पासवर्ड डालना है। पहले क्या होता था, पेटीएम में ओटीपी आता था, ओटीपी डालने पर न्यू पासवर्ड देने की दिखा दे रहा था, लेकिन दोस्तों अब पेटीएम वालों ने जिस नंबर को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो उस नंबर पे एक लिंक भेजते हैं, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आपको नया पासवर्ड डालने को दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे नया पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक नया पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक नया पासवर्ड डाल चुका हूँ, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पासवर्ड में कुछ नंबर और कुछ लेटर होना ज़रूरी है, और उसके बाद सिंपली मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे 5 सेकेंड वेट करने को दिखा रहा है, और उसके बाद दोस्तों मेरा जो पेटीएम का नया पासवर्ड है वो हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप पेटीएम के पासवर्ड को फॉरगॉट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो और जो अब जो नया वेब पेज खुला है वो उसमें जो अब जो आ गया नया पासवर्ड डालने के वो दिखाई दिया वो नहीं आता है। इसके वजह से कुछ लोग फॉरगॉट नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक लिंक आया हुआ है वो सिर्फ एक बार ही काम करेगा, बार बार काम नहीं करेगा। तो आपको ये जो लिंक आया है उसको आपको कॉपी करना है। तो अगर आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बताया था कोई भी एरिया हो आपके फ़ोन में आप किसी भी एरिया से कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट को। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, और कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको उस ब्राउज़र में यूआरएल पे उसको पेस्ट करना है और गो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी अभी जो नया पासवर्ड डालने को दिखाई दिया उसी तरह बिल्कुल उसी तरह ही दिखाई देगा, और उसके बाद नया पासवर्ड डाल दीजिए, और उसके बाद आपके जो नया पासवर्ड अपडेट कर लीजिए तो आपके पेटीएम का पासवर्ड फॉरगॉट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और भी ट्रिक एंड टिप्स के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एबीसी को आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।